welcome back to your very own authentic film trade show, Movie Biz. Today we are going to talk about the latest controversy that's going on in this crisis, and that's Karan Johar and Kartik Aaryan breakup. मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं नरेंद्र गुप्ता जी हैं जो बड़े सीनियर फिल्म ट्रेड जर्नलिस्ट हैं और अशोक त्यागी जी हैं जो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और फिल्म एनालिस्ट भी हैं। मैं इन दोनों से कहूंगा कि बताएं सच्चाई क्या है इसके बारे में। कार्तिक आर्यन और करण जौहर की ये जो कहानी चल रही है इंडस्ट्री में, जो सडनली ये फिल्म बंद हो गई दोस्ताना 2, इसके बारे में प्लीज कुछ रोशनी दें। दोस्ताना 2 धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है जो करण जौहर ने 2019 में लॉन्च की थी। लॉन्च के बाद 2020 में लॉकडाउन हो गया और फिल्म थोड़ी डिले हो गई। खैर 2020 में करण जौहर ने 24 दिन की फिल्म की शूटिंग की, मोर देन 60% पिक्चर कंप्लीट थी। अचानक पूरी इंडस्ट्री को शॉक लगा जब उन्होंने सुना कि करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को फिल्म से निकाल दिया है। जो मीडिया में वजह उभर के आई है वो थी कार्तिक आर्यन का अनप्रोफेशनल एटीट्यूड। उन्होंने करण जौहर को बहुत परेशान किया डेट्स के मामले में और बोला कि फिल्म का सेकंड हाफ बदला जाए। जब पूरी बाउंडेड स्क्रिप्ट कार्तिक आर्यन को सुना दी गई थी और उन्होंने फिल्म साइन कर ली थी तो उन्होंने फिल्म में क्यों इंटरफेरेंस किया कि सेकंड हाफ बदला जाए। करण जौहर पे मंजूर नहीं हुआ, लिहाजा उन्होंने कार्तिक को फिल्म से निकाल दिया और इसकी वजह से उन्हें करीब 20 करोड़ का भारी नुकसान सहना पड़ा और ये डिसाइड किया कि फ्यूचर में कभी भी कार्तिक के साथ काम नहीं करेंगे। तो लगता है कि इतना पैसा 20 करोड़ खर्चने के बाद एक प्रोड्यूसर होगी करण जौहर जैसा मजा हुआ प्रोड्यूसर, जरूर कुछ बात होगी जिससे वो तंग आ गया होगा। वाकई में ये बात सच हो सकती है कि करण जौहर को कार्तिक आर्यन ने बहुत तंग किया, तब जाके उसने डिसाइड किया कि चलो यार 20 करोड़ ही जाने दो, भले पिक्चर ही स्क्रैप कर दे। एक्चुअली सी करण जौहर जाने माने डायरेक्टर है, उनका अच्छा स्क्रिप्ट पे समझ है, तो कार्तिक आर्यन जैसा जो नया उभरा हुआ स्टार बना आज की डेट में और करण जौहर को बताया कि नहीं सेकंड हाफ में ये तब्दीली करो ये मुझे पसंद नहीं, तो कोई भी बड़ा डायरेक्टर और इसका बड़ा बैनर धर्मा प्रोडक्शन ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई आर्टिस्ट उस पर अपनी डिक्टेशन दे कि नहीं ऐसा करो वैसा करो। नहीं, आज की तारीख में तो कोई प्रोड्यूसर ही बर्दाश्त करेगा। एब्सोल्यूट टोटल प्रोड्यूसर जो इतना पैसा खर्चता है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हिम टू आई मीन लिसन टू एन अपकमिंग एक्टर इवन इफ इट इज अ बिग स्टार। आपने जब स्क्रिप्ट ओके की है फिल्म शुरू होने से पहले आपको उस स्क्रिप्ट के साथ चलना चाहिए। करण जौहर जी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया जिसमें उनका 20 करोड़ रुपए वो राइट ऑफ कर रहे हैं और वो भी एक ऐसे टाइम पे जहां उनका और भी कई फिल्मों में कोरोना क्राइसिस की वजह से पैसा ब्लॉक्ड है, ये जो है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है जो जब तक कि वो बहुत तकलीफ में नहीं रहे होंगे तब तक वो नहीं ले सकते। ये कास्टिंग एजेंसीज, पब्लिसिस्ट, ये सारी एजेंसीज आ गई हैं जो कि स्टार के करियर को मैनेज करती हैं। जब उसमें कई सारे बिचौलिए आ जाते हैं तो स्थिति बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो पहले तो सेक्रेटरी आए फिल्म उद्योग में, लेकिन बहुत अच्छी उदाहरण है सेक्रेटरियों के, रिक्कू जी हैं, जोशी जी हैं, जिन्होंने अभिनेताओं के करियर को भी ऊपर उठाया और प्रोड्यूसरों को भी लाभ पहुंचाया। अभी जिस प्रकार से जो एटीट्यूड डेवलप हो रहा है उसमें जो है वो हम एक संस्था हम नाम रख देते हैं कि ये एजेंसी है वो एजेंसी है, उसको एक मशीन की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं और स्टार को हम एक मशीन की तरह मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। जबकि जो फिल्म उद्योग है इसका अगर हम बोले कि इसकी प्रोडक्ट क्या है, फिल्म इज अ पैकेज ऑफ इमोशंस, क्रिएटिविटी नहीं इमोशंस। अगर पिक्चर इमोशनल नहीं होगी तो पिक्चर चलेगी नहीं। ये जो मशीन हमने खड़ी कर ली है वो हार्टलेस है और मेरा ख्याल है कि अगर ये बायलैटरल होता इश्यू बिटवीन कार्तिक आर्यन एंड करण जौहर तो मेरा ख्याल है इतना विस्फोटक नहीं होता। मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड जब से आया है आपके हिसाब से ये कुछ गड़बड़ हुआ है, बट अभी जिस तरह हो रहा है मेरे को तो लगता है ये स्टार्स का अंत हो गया है, द एंड ऑफ द किंग्स। शाहरुख खान, सलमान खान, कब तक ये सब चलेगा? अभी तो जब से ओटीटी आया है
पिछले तकरीबन दो साल से कोई स्टार का तो जन्म ही नहीं हुआ। डेफिनेटली मार्च सिनेमास के जाने के बाद तो आई एम फीलिंग, जब मार्च 25 से लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, एक साल पूरा हो चुका है, एक भी बड़े स्टार की फिल्म थिएटर में नहीं आई, चाहे शाहरुख खान हो, ऋतिक रोशन हो, सलमान खान हो, तो स्टार सिस्टम बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, खत्म हो चुका है। पॉइंट ये है कि ओटीटी में स्टार नहीं बन, ओटीटी में स्टार नहीं बन रहे, एग्जैक्टली ओटीटी में एक्टर्स बन रहे हैं, मनोज वाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी है, के मेनन है, अमित शाह है। लेकिन नरेंद्र जी एक मुझे दुर्भाग्य इसमें यह दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो नेपोटिज्म और गैर नेपोटिज्म की जो डिबेट चल रही है कोविड के दौरान में, उसमें करण जौहर जी पे आक्रमण चालू हो जाएंगे कि उन्होंने एक बार फिर एक ऐसे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बाद उन्होंने एक बार फिर एक ऐसे एक्टर के साथ में, ये उन्होंने किसी ऐसे एक्टर के साथ में नहीं किया कि जो फिल्म फैमिली से आता हो, उन्होंने ये डिसिप्लिनरी एक्शन एक ऐसे एक्टर के साथ लिया है कि जो फिल्म फैमिली से नहीं आता है, तो इस पे ये बहुत ट्रोल होने वाला है। जाकी ये ऑलरेडी ट्रोल हो रहा है, लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ये कहीं सुशांत सिंह राजपूत की कहानी तो रिपीट नहीं होने जा रही है। अभी जब करण जौहर ने अपने बैनर से निकाल दिया तो जो बाकी जो उनसे कनेक्टेड बैनर से, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग जानते हैं, क्या वो कार्तिक आर्यन को अपनी फिल्मों में लेंगे? ऑब्वियसली नहीं लेंगे। तो कार्तिक को डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस फिल्म के आउट होने के बाद। मैंने कुछ महीने पहले ये खबर पढ़ी थी और जो कार्तिक आर्यन की जो कास्टिंग एजेंसी है, उनकी जो पब्लिसिटी एजेंसी है, उसने ही प्लांट की होगी कि कार्तिक आर्यन ने 3 फिल्में साइन की हैं 75 करोड़ रुपए, 25-25 करोड़ पर पिक्चर। अब ये जो ग्रीड है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक पागलपन है, एक हम डिवेल्यूएशन एक वर्ड है इकोनॉमिक्स के अंदर। जब भी आप पैसे की अगर आप वैल्यू को जीरो कर दोगे तो फिर उससे पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक 25 करोड़ तक सलमान खान को, आमिर खान को, अक्षय कुमार को पहुंचने में कितना संघर्ष लगा, कितना टाइम लगा, उसको अनदेखा करके आप सीधे ना आप शॉर्टकट से पहुंचना चाहते हो वहां पे। आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉपर एटीट्यूड। जब स्टार भी टॉप पे होता है तो उसके जमीन नीचे से हिल जाती है, उसका दिमाग नहीं काम करता, ही नीड्स परफेक्ट एडवाइजर्स। एब्सोल्युटली बहुत कम होते हैं स्टार्स जो संभाल लेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी इज अ वेरी रेयर एग्जाम्पल, जिन्होंने अपने आप को थ्रू आउट संभाल कर। तो लोग ये नहीं समझ सकते, बड़ा डेलिकेट और बहुत ही इमोशनल काम है। इमोशनल तो है ही हमारा बिजनेस। वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर मनी। 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ ही होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है ये जो कुछ उथल पुथल मची हुई है, ये इसीलिए मची हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे का डिवेल्यूएशन हुआ और मार्केट जो है, जो मनी मार्केट है, वो हमेशा अपने आप को सेल्फ करेक्ट करता है। दी ऑटो करेक्शन टेकिंग प्लेस बाय दी, बहुत बड़ा ऑटो करेक्शन है। अभी स्टार सिस्टम खत्म हो रहा है, लोग नेटफ्लिक्स अमेजोन में फिल्में देखते हैं, कॉन्टेंट की पूजा हो रही है। अभी स्टार्स कोई खड़ा होके नहीं आ रहा है। इफ यू सी ओटीटी से एक भी स्टार नहीं आया उभर के, जैसे राजेश खन्ना, शाहरुख खान या सलमान खान, बन ही नहीं रहे। स्टार सिस्टम इज फिनिश्ड। स्टार आई थिंक थिएटर्स में ही बने हैं जहाँ बड़े कटआउट्स पोस्टर्स लगते हैं, घरों में आई थिंक कॉम्पिटिशन है। मैं आपकी बात को, इंटरनेशनल राजीव जी, मैं अभी स्टार्स का काम था लोगों को थिएटर्स तक लेके आना, तो उनका काम था कि दैट्स व्हाई दे वर स्टार्स एंड दे वर पैकेजेस ऑफ बिल्ट इन पब्लिसिटी, जो कि इंटरनेट के पहले तो जरूरी थी। अभी ऑडियंस को थिएटर में लाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है क्योंकि जो एंटरटेनमेंट है वो सीधा कंज्यूमर के हाथ में आ गया है। किसी भी समय देखो, आधी रात को देखो। फाइनल आंसर टू दिस, क्या कार्तिक आर्यन को अभी काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में? क्या आगे करण जौहर और उसके जो साथी प्रोड्यूसर्स हैं उसको काम नहीं देंगे, या वो भूषण कुमार की फिल्म करेगा फिर से? लव रंजन की फिल्म तो करता ही था, व्हाट इज द स्टेटस नाउ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक आर्टिस्ट को जब बड़ी बैनर की फिल्म मिलती है तो बेचारा डरता है कि मैं बाउंड्री स्क्रिप्ट मांगूं, कुछ चेंजेस सजेस्ट करूं, तो बेचारा एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब फिल्म बननी प्रोग्रेस में जाती है तो उसको लगता है नहीं, फिल्म मेरे हिसाब से नहीं बन रही। शायद ऐसा ही कुछ रहा होगा कार्तिक आर्यन के साथ, जब दोस्ताना 2 बननी शुरू हुई, उसको लगा ये सेकंड हाफ मेरे इमेज के मुताबिक या मेरे स्टोरी सामने ठीक नहीं जा रहा है। यू से करण जौहर इज राइट और कार्तिक आर्यन इज राइट?
in one word. The principle of cinema is that the director is the captain, you know, he, the filmmaker. He, with this unfortunate event, rectification takes place. So you are for Karan Johar. Yes. And what about you? 20 करोड़ का बहुत बड़ा भारी लॉस है जो कोई भी आज की डेट में सहन करने की स्थिति में है कोरोना के फैक्टर के लेते हुए. तो लेट्स सी कि अभी फ्यूचर में क्या इवेंट्स टर्न लेते हैं, कौन सही था कौन गलत था, वो डेफिनेटली एक दिन बाहर आएगा ही बातें. बट आई ऑल्सो गो फॉर करण जौहर बिकॉज मैं तो प्रोड्यूसर का ही साथ दूंगा. कितना भी करोड़पति अरबपति हो, कोई आदमी अपना एक रुपए भी फेंकता नहीं है. ये डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ी बात हुई होगी जो हिडन है या पूरी तरह से बाहर नहीं आई है. But we have to support the producer, the director, and I am with Karan Johar. So that's how we end it here. That let's learn a lesson from this episode. Let all actors learn this lesson. As it is, star system to khatam ho gaya hai. OTT ki filmein, alag kisam ki filmein ban rahi hai, realistic filmein ban rahi hai. Ab jab tak theaters nahi khul rahe hain, sab stars ki prizes bhi ab karodon se pata nahi kahan pahunch gayi. What do you say? What is the price of a star today? Do you think we can expect? No, definitely no. Do you think we can think of business of 500 crores, 1000 crores? Absolutely no. So we should learn from this and understand that money ki kya value hai, director ki kya value hai, producer ki kya value hai. And let's wind up here. Thank you. Cinema Zindabad. So that's it for you. See you again very soon. Same time, same place.